देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद भी कोरोना वायरस का खतरा कम होता नजर नहीं आ रहा। देश में अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 1395 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इधर महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा हालत खराब है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 243, केरल में 234, उत्तर प्रदेश में 101, दिल्ली में 97, कर्नाटक में 91, राजस्थान में 83, तेलंगाना में 77, गुजरात में 73, तमिलनाडु में 67, मध्य प्रदेश में 66, जम्मू कश्मीर में 49, पंजाब में 41, हरियाणा में 36, आंध्र प्रदेश में 23 और पश्चिम बंगाल में 22 कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए खतरा बनता जा रहा है कोरोना वायरस। प्रदेश में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि मंगलवार को 19 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 66 पर पहुंच गई। इसी के साथ इंदौर में मरीजों की संख्या 44 हो गई है। फिलहाल इंदौर की हालत नाजुक बनी हुई है। संक्रमितों में इंदौर 44, उज्जैन 5, जबलपुर 8, भोपाल 3, ग्वालियर 2, शिवपुरी में 2 मरीज अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग 10 मरीजों के ठीक होने का दावा कर रहा है। बताया जा रहा है कि भोपाल में स्थिति नियंत्रण में है और शहर को 4 भागों में बांटा गया है। इतना ही नहीं, लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। राज्यों की सीमाएं सील करने के निर्देश के बाद गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सीमा पर 20,000 से अधिक लोगों को रोक दिया गया। करीब 10 जिलों की सीमाओं पर डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस की टीम ने इनकी जांच की। जो संदिग्ध मिले उन्हें बॉर्डर पर ही बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में 14 दिन के लिए रख दिया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।